नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। उन्नाव रेप केस में आरोपियों को बचा रही केंद्र की मोदी और राज्य की योगी सरकार। बिलासपुर एनएसयूआई ने देश में बढ़ते दुष्कर्म की घटनाओं के खिलाफ बुधवार को सीएमडी चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भावेंद्र गंगोत्री व कार्यकारी अध्यक्ष रंजीत सिंह के नेतृत्व में उन्नाव रेप के सम्मेलन में राज्य व केंद्र सरकार की उदासीनता के खिलाफ आवाज उठाई। पहले बीवी को नहर में ढकेला, फिर भरी पंचायत में बोला तलाक तलाक तलाक। सोमवार को राज्यसभा से पास होने के बाद तीन तलाक बिल को लेकर देश भर में चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि इस बिल के कानून बन जाने के बाद मुस्लिम महिलाओं के अधिकार सुरक्षित हो गए, लेकिन ठीक एक दिन बाद यूपी के मेरठ से तीन तलाक की खबर आई है। नक्सली छत्तीसगढ़ में कर रहे बाल लड़ाकों की भर्ती। रायपुर छत्तीसगढ़ समेत अन्य राज्यों पर सक्रिय नक्सली समूह और कश्मीर में सक्रिय आतंकवादी समूह ने बच्चों की भर्ती लड़ाकों के तौर पर की है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की रिपोर्ट में कहा गया है कि नक्सलियों द्वारा बच्चों की व्यवस्थित तरीके से भर्ती किए जाने की खबर है। एमएनएस न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।